that little mouse, cause I'm an albatross. तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूवी वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड समरी इन हिंदी और हाउ टू बिकम रिच। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट टी कियोस्की इस बुक के ऑथर के दो फादर थे, रिच डैड और एक पुअर डैड। वो बताते हैं कि जो रिच डैड थे वो सिर्फ 8th पास थे, जबकि जो पुअर डैड थे वो PhD कर चुके थे। रिच डैड बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और शहर में सबसे रिच थे, जबकि जो पुअर मैन डैड थे वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि उन्होंने अपनी बुक में बताए हैं कि हाउ टू बिकम रिच और पुअर के बीच में मेंटेलिटी का फर्क, जिसके कारण जो पुअर है कभी भी रिच नहीं बन पाते। तो सबसे पहला पॉइंट है नो योर लायबिलिटी एंड एसेट्स। इसे हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। लायबिलिटी मतलब जो हमारी जेब से पैसा जा रहा है और एसेट जिससे हमारी जेब में पैसा आ रहा है। आपको अपनी एसेट और लायबिलिटीज को समझना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपने एक फ्लैट ले लिया जबकि आपके पास आपका खुद का घर है और आपको हर महीने उस फ्लैट की मेंटेनेंस फी देनी पड़ती है, पर ये तो आपकी लायबिलिटी में आ गया, मतलब आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। अब इसको एसेट में कन्वर्ट कैसे करें? ये फ्लैट अगर आप रेंट पर दे दोगे तो हर महीने आपको जो मेंटेनेंस फी देनी पड़ती थी वो आपको रेंट मिल जाएगा, जो कि एक लायबिलिटी आपकी एक एसेट में कन्वर्ट हो चुकी है। आप जितनी भी चीजें बनाते जाओगे वो आपकी जो गुडविल के लिए होंगी वो लायबिलिटी में ऐड होती रहेंगी। रिच पीपल पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा उनके पीछे भागता है, जबकि जो पुअर पीपल है वो पैसे के पीछे भागते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब जो पुअर पीपल होते हैं वो एक जॉब करके ही बहुत खुश हो जाते हैं और जब उनकी सैलरी बढ़ने लग जाती है उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ही बढ़ने लग जाते हैं और वो सारी जिंदगी डेब्ट ही देते रह जाते हैं। जबकि जो रिच पीपल हैं वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जहाँ पे उनकी उनका वहाँ पर होना ज़रूरी नहीं हो स्किल्स। इसका क्या मतलब हुआ? आपको जो भी काम करना है आपको सिर्फ पैसे के लिए वो काम नहीं करना है, आपको स्किल्स, नई नई स्किल्स सीखने के लिए करना चाहिए, आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए जो कि आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल चीज होगी। नॉलेज सिर्फ बुक्स की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज, जो नॉलेज आपकी डेली लाइफ में काम आएगी। अलग अलग चीजें, जैसे आप कुछ जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है आप वो चीज सीखो। आई कैंट अफोर्ड, ये आप तब बोलते हो जब कोई चीज आप कहते हो मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता, पर ये अगर आपकी मेंटेलिटी चेंज होगी आपको रिच बनना है तो आपको ये सोचना होगा इसको अफोर्ड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, व्हाट टू डू टू बाय दिस। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सारी चीजें मैंने रॉबर्ट कियोस्की महान राइटर की बुक रिच डैड एंड पुअर डैड से बताई हैं। आशा करता हूँ आप सबको
ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर देना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।